brought to you by Candid. Redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. आप रहो unstoppable Candid dusting powder के साथ. Doctors का सुझाया number one पे. नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो. आज के शो में हम बात करेंगे अदालतों की. दोनों अदालतें दिल्ली की हैं, एक निचली अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट और दूसरी बड़ी अदालत या कहें कि सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट. निचली अदालत में आज अरेस्ट के बाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह और ऊपरी अदालत में पहुंचे आम आदमी पार्टी के एक और नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया. संजय सिंह पहुंचे थे अरेस्ट के ठीक बाद कोर्ट में पेश होने और सिसोदिया पहुंचे थे अपनी जमानत की याचिका लेकर. और बहस में जजों ने जांच एजेंसियों से पूछे कई सवाल, सबूत भी मांग लिए, फोन क्यों जब्त किया ये भी पूछा और फिर आई नेताओं की प्रतिक्रिया. इन सब पर बात करेंगे आज के शो में. तो पहले चलते हैं राउस एवेन्यू कोर्ट. 4 अक्टूबर की शाम जब संजय सिंह अरेस्ट हुए तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी थी, आई भी. और फिर सामने आई ईडी की चार्जशीट जिसमें कहा गया कि संजय सिंह नहीं दिनेश अरोड़ा नाम के व्यापारी की मुलाकात मनीष सिसोदिया से करवाई थी. ये सब हमने आपको 4 अक्टूबर वाले शो में भी बताया था. लेकिन अब कुछ और आरोप सामने आए हैं. आरोप ये कि संजय सिंह बस मुलाकात करवाने तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने पैसे का लेन देन भी किया. ईडी ने यह आरोप लगाए हैं कि इस केस के सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को करोड़ों रुपए दिए. हालांकि अभी तक इस करोड़ों में कितने करोड़ हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है और ये ईडी का एक इल्ज़ाम है. इसके अलावा ईडी ने यह भी आरोप लगाए हैं कि संजय सिंह दिल्ली में वो विवादित शराब पॉलिसी जो बनी थी जिस पर विवाद हुआ उसे बनाने में भी शामिल रहे जिसमें कथित भ्रष्टाचार हुआ. बहरहाल अरेस्ट के बाद संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट में जाते हुए पत्रकारों ने संजय सिंह से पूछा कि इस पर कुछ कहेंगे क्या, तो संजय सिंह का निशाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर. क्या कहा उन्होंने आप सुन लीजिए. संजय जी कुछ कहेंगे, संजय जी कुछ कहेंगे. न्याय है मोदी जी का, हारेंगे मोदी जी, मोदी जी चुनाव हार रहे हैं इसलिए. संजय जी आगे नरेंद्र मोदी अडानी के नौकर हैं और अडानी के नौकर से हम लोग डरते नहीं. जितना अत्याचार जुर्म करना है करें, कोई दिक्कत नहीं. आपके जो आरोप है, आपका जो आरोप है, आरोप है आपके जो आरोप है बोलो क्या. हम लोग डरते नहीं, लड़ेंगे. अंदर कोर्ट में ईडी की ओर से अपील हुए वकील एन के मत्ता. मत्ता ने कहा कि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को दो मौकों पर 2 करोड़ रुपए दिए. कल सर्च किया गया और जांच के लिए संजय सिंह का फोन सीज कर लिया गया. केस को सुन रहे थे स्पेशल जज एम के नागपाल. उन्होंने तुरंत ईडी से पूछा कि फोन से क्या मिलेगा या और भी डिजिटल डेटा है, फोन से क्या पता करना है. फोन की कॉल डिटेल तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं. फिर चिरह हुई संजय सिंह के केस में कोर्ट में और क्या क्या हुआ, सुनते हैं इंडिया टुडे की लीगल रिपोर्टर नलिनी से. देखिए, ईडी ने आज संजय सिंह को जब कोर्ट में प्रोड्यूस करा तब उन्होंने 10 दिन की रिमांड मांगी है संजय सिंह और उन्होंने ये बोला है कि संजय सिंह को कन्फ्रंट करना है, ना ही बाकी अक्यूज के साथ, पर उसकी इंटेरोगेशन, कस्टोडियल इंटेरोगेशन भी जरूरी है इस केस में, क्योंकि जो मनी ट्रेल है वो ईडी अभी बिल्ड करने की कोशिश कर रही है. अब 2-3 जरूरी चीजें बोली है ईडी ने कोर्ट में इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में. उन्होंने बोला है कि जो उनके पास स्टेटमेंट्स आए हैं अप्रूवर्स से उसमें संजय सिंह का रोल साफ नजर आता है. उसके अलावा ईडी के पास ये भी प्रूफ है कि संजय सिंह के घर पे एक मीटिंग हुई थी जिसमें 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था और संजय सिंह के एक एम्प्लॉय है और इन एम्प्लॉय का नाम ईडी ने कोर्ट में नहीं दिया है, पर उन्होंने ये बोला है कि संजय सिंह के एक एम्प्लॉय थे उनके घर पे जिन्होंने ये 1 करोड़ रुपए कैश लिया था इस मीटिंग के दौरान. तो क्या ये एम्प्लॉय के पास ही पैसा जाना था या एम्प्लॉय किसी और तक पैसा पहुंचा रहे थे, ये सब ईडी अभी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है. पर इन कारणों से उन्होंने बोला है कि उन्हें 10 दिन की कस्टडी चाहिए संजय सिंह की. वो कस्टोडियल इंटेरोगेशन करना चाहते हैं और पूरे मैटर की, पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहते हैं कि संजय सिंह का इन्वॉल्वमेंट किस हद तक था, क्योंकि उनके घर पे मीटिंग जरूर हुई थी जिसमें कैश ट्रांजेक्शन भी एक्सचेंज हुआ था. ये ईडी का कहना है कोर्ट के सामने. कोर्ट ने सारी बातें सुन के ऑर्डर अभी रिजर्व कर लिया है और आगे बढ़े. इसके पहले संक्षेप में समझ लेते हैं कि शराब पॉलिसी थी क्या या न्यू लिकर पॉलिसी जिसको कि बाद में जंग किया गया वो थी क्या जिसके चक्कर में इतना बड़ा बवाल हुआ.
17 नवंबर 2021 ये वो दिन था जब दिल्ली में नई शराब नीति को लागू किया गया। इस पॉलिसी की सबसे खास बात ये कि दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के काम से खुद को अलग करना चाहा और तय किया गया कि दिल्ली में शराब बस निजी वेंडर्स ही बेचेंगे। इसके पीछे सोच ये थी या बताई गई कि शराब की खरीदारी को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व इकट्ठा किया जाएगा। लागू करने के लिए क्या किया गया, दिल्ली सरकार ने शराब के लगभग 600 सरकारी दुकानों को बंद किया, 850 शराब की दुकानों को शराब बेचने का रिटेल लाइसेंस दिया गया और 266 शराब के ठेकों को निजी कर दिया गया। होटल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट और बार को रात 3 बजे तक खोलने की इजाज़त मिल गई। कुछ लाइसेंस धारकों को 24 घंटे तक शराब बेचने की अनुमति भी मिली। कुछ क्लब्स और रेस्टोरेंट्स को शर्तों के साथ बालकनी और छत पर शराब बेचने की अनुमति मिली। बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल्स, वेडिंग पार्टी, इवेंट वेन्यू के लिए एक नया लाइसेंस आया L38। इसमें सालाना फीस पर जो प्रमाइसिस हैं परिसर में आयोजित सभी पार्टियों में भारतीय और विदेशी शराब सर्व करने की अनुमति मिल गई। यानी एक लाइसेंस अगर वेन्यू के पास है तो साल भर हो सकता है। जब ये नियम प्रकाश में आए तो शराब की दुकानों पर ऑफर निकलने लगे। कई शराब के ब्रांड्स पर MRP में छूट मिली। कई ब्रांड्स में एक यूनिट के साथ एक या उससे अधिक यूनिट भी फ्री दी जाने लगी। मसलन एक बोतल पर एक या एक से ज़्यादा बोतलें भी मुफ्त मिली। शराब के दुकानदार ऐसी स्कीम चलाने लगे तो दुकानों पर भीड़ दिखने लगी। एक बार में सब कुछ देखने में ग्राहक और दुकानदार दोनों के लिए फायदा का सौदा लगता रहा। फिर आरोप लगने शुरू हुए। कैसे आरोप, दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों को 32 जोन्स में बांटा था और केवल 16 कंपनियों को ही शराब के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार दिया था। सरकार पर आरोप लगे कि इससे कंपटीशन खत्म होने की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा ये भी खबर आई कि बड़ी कंपनियों ने अपनी दुकानों पर तगड़ा डिस्काउंट देना शुरू किया और छोटे व्यापारियों को इससे नुकसान हुआ, लिहाजा वो अपना लाइसेंस सरेंडर करने लगे। फिर मामले में जांच तब शुरू हुई जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी। कहा कि शराब पॉलिसी में अनियमितता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस नीति की आड़ में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। LG ने रिपोर्ट मिलते ही CBI जांच की सिफारिश की। CBI ने जुलाई के ही महीने में केस दर्ज किया। फिर अगले महीने यानी अगस्त 2022 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। दोनों एजेंसियों ने जांच शुरू की और पूछताछ हुई। इसके बाद मनीष सिसोदिया से लगाकर अब तक जो गिरफ्तारियां होती रहीं वो नियमित रूप से हम आपको बताते रहे, सबके सामने हैं। लेकिन बात अब बस मनीष सिसोदिया या संजय सिंह तक महदूद नहीं रही है। ED ने 5 अक्टूबर को साफ किया कि वो इस केस में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने वाली है। ये कैसे हुआ ये जानने के लिए एक दिन पहले आप चलिए। 4 अक्टूबर का दिन था जब संजय सिंह के यहाँ छापा पड़ रहा था। उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ध्यान रहे कि बार बार दोनों जांच एजेंसियों का कहना रहा है कि शराब नीति में घोटाले की वजह से आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा, पैसे मिले, चुनावी फंड का इस्तेमाल हुआ। 4 अक्टूबर को जब कोर्ट में सिसोदिया की जमानत अर्जी सुनी गई तो दोनों एजेंसियों ने फिर से वही बात दोहराई। इस पर कोर्ट ने कहा, जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA की बात है तो आप बार बार कह रहे हैं कि पैसा एक राजनीतिक पार्टी को गया, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी अभी तक आरोपी नहीं बनाई गई। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, मनीष सिसोदिया को लाभ नहीं पहुंचा लेकिन आम आदमी पार्टी को लाभ पहुंचा। 4 अक्टूबर की बहस यहीं आकर सिमट गई। सुनवाई के लिए अगली डेट मुकर्रर हुई 5 अक्टूबर की। फिर जब कैलेंडर में 5 अक्टूबर की तारीख लग गई तो एक खबर उड़ने लगी कि ED और CBI इस केस में आम आदमी पार्टी को भी पक्षकार बनाने पर विचार कर रहे हैं। इस नए डेवलपमेंट पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आईं। पार्टी के नेता आतिशी मरलेना ने कहा कि 15 महीने से चल रही जांच के बाद भी ED के पास मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए अब वो आम आदमी पार्टी को इस केस में फंसाना चाह रहे हैं। कहते हैं मनीष सिसोदिया आरोपी हैं, अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। अब कह रहे हैं संजय सिंह आरोपी हैं, फिर कोई प्रमाण नहीं मिला। अब नया शगुफा छोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं अब आम आदमी पार्टी आरोपी है। ये कभी आपने सुना है क्या? इस देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। उनके हाथ में ED है, CBI है, दिल्ली पुलिस है, वो कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन आखिरकार उनको कोर्ट के सामने कोई तो सबूत रखना होगा। इधर अदालत जब 5 अक्टूबर को बैठी तो सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि ये आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रहे हैं CBI ED, क्योंकि आपने कल सवाल उठाए थे। इसके बाद कोर्ट ने अपने बयान पर स्पष्टीकरण भी दिया, कहा कि उनका मकसद किसी को केस में फंसाना नहीं था, कोर्ट बस एक कानूनी प्रश्न उठा रही थी। इस दिन भी कोर्ट ने ED को आड़े हाथों ही लिया।
दरअसल इस केस में ईडी और सीबीआई शुरुआत से कह रहे हैं कि शराब पॉलिसी को ऐसे डिजाइन किया गया कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचे। व्हाट्सएप पर मनीष सिसोदिया और आरोपियों की बात भी हुई थी। कोर्ट ने सवाल किया कि इन मैसेजेस को सबूत माना जा सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। फिर दोनों एजेंसियों ने यह भी कहा कि सिसोदिया लोगों से सिग्नल ऐप से भी बात कर रहे थे और चूंकि सिग्नल ज्यादा सिक्योर है इसलिए उसका डेटा अभी तक मिला नहीं है। कुछ देर की बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एजेंसियों से कहा, क्या आपने आरोपियों को आपस में बात करते हुए देखा था? क्या आपके सबूतों को कोर्ट में माना जाएगा? क्या यह बात सरकारी गवाह ने नहीं कही है? यह आपका एक निष्कर्ष है, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई सबूत तो होना चाहिए। आपके इस निष्कर्ष पर सवाल जवाब होंगे तो आपका केस 2 मिनट में औंधे मुंह गिर जाएगा। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट दोनों एजेंसियों से साफ कह रहा था कि वो सबूत पेश करें और जो चीज़ दोनों एजेंसियां कोर्ट के सामने रख रही हैं, कोर्ट को संदेह है कि वो सबूत के रूप में माना जाए या नहीं। कोर्ट ने और क्या क्या कहा पॉइंटर्स में आप जानिए। कोर्ट ने पूछा कि सबूत कहाँ है। दिनेश अरोड़ा को भी पैसा मिला है, दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट को छोड़ दें तो और कोई सबूत है क्या? मनीष सिसोदिया इन सब में शामिल नहीं है। इसमें विजय नागर जो आपके संचार प्रमुख और व्यापारी हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया शामिल नहीं है। आप मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कैसे लेकर आएंगे? उन तक तो पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। बतौर जांच एजेंसी आपको एक चेन स्थापित करनी होगी। ये कोर्ट कह रही है ईडी सीबीआई से। चेन ये कि पैसा शराब वाली लॉबी से मनीष सिसोदिया तक पहुंचा। हम आपकी बात मानते हैं कि चूंकि सब कुछ छुपा कर किया गया इसलिए चेन स्थापित करना मुश्किल है, लेकिन इसी जगह पर आपकी काबिलियत का सही इस्तेमाल भी होता है। फिर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख मुकर्रर की 12 अक्टूबर। लेकिन कोर्ट में अंदर और क्या हुआ और ताजा अपडेट्स क्या हैं, सुनते हैं नलिनी को। मनीष सिसोदिया का मामला जहां तक जाता है उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी मनीष सिसोदिया की जमानत पे, उनकी बेल पे। मनीष सिसोदिया ने एक एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको बेल ग्रांट कर दी जाए इस केस में। तो उस केस के दौरान जब सीबीआई और ईडी से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कठिन सवाल पूछे इस इन्वेस्टिगेशन को लेके, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ अप्रूवर्स के स्टेटमेंट के बेसिस पे पूरी मनी ट्रेल या पूरे चेन ऑफ इवेंट्स ईडी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। उन्होंने बोला कि अप्रूवर के स्टेटमेंट अगर ईडी के पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कुछ एविडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि दिनेश अरोरा जो अब इस पूरे केस में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो अप्रूवर बन चुके हैं इस केस में और वही हैं जिनके स्टेटमेंट पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अब रिलाई कर रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया है कि सिर्फ अप्रूवर के स्टेटमेंट पे आप नहीं रिलाई कर सकते, उसके साथ आपको एविडेंस भी कुछ सामने रखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बाकी चीजें भी सामने आकर सवाल उठाए हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने बोला है कि कुछ फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज है ईडी और सीबीआई के केस में, मनी ट्रेल अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है इस तरीके से कि पूरी लिंक मनीष सिसोदिया तक बन पाए। उन्होंने बोला कि एक पॉलिसी डिसीजन था एक्साइज पॉलिसी का जो दिल्ली गवर्नमेंट ने लिया था। अब पॉलिसी डिसीजन सही हो सकता है या गलत हो सकता है, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं एंटर करेगा जब तक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ये नहीं प्रूफ कर पाती कि या तो कोई पैसा एक्सचेंज हुआ था या कोई रिश्वत दी गई थी इस पूरे केस में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ साफ आके बोला है कि ये जो मनी ट्रेल है ये मनीष सिसोदिया से लिंक नहीं हो रही है अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस देखा है ईडी का, और जब तक मनीष सिसोदिया को नहीं प्रूफ कर सकते कि उन्हें डायरेक्टली पैसा मिला है इन चीजों के लिए तब तक वो नहीं बोल सकते कि मनी लॉन्ड्रिंग मनीष सिसोदिया पे लागू हो सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो पूरा केस है अगर वो ट्रायल के लिए जाए कल सामने तो क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम 2 मिनट में ईडी का केस पूरा खराब हो सकता है, योर केस विल फॉल फ्लैट इन 2 मिनट्स। ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को। उन्होंने ये भी साफ साफ बोला है कि ये सारे एस्पेक्ट्स पे ईडी डिटेल्स लेके आए सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनको सारे जवाब दे कि क्यों आम आदमी पार्टी जो पार्टी है उसको अक्यूज नहीं बनाया गया। ये सवाल कल भी उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि आज ईडी ने बोला है कि जो भी कोई इसमें गुनहगार है उनको नहीं बख्शा जाएगा और सबको ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन आज के लिए सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं था जो भी जवाब ईडी और सीबीआई ने दिए इस इन्वेस्टिगेशन को लेके। अब मामला 12 तारीख तक टल गया है जब सुनवाई आगे होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत ही कठिन सवाल आज दोनों इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से पूछे मनीष सिसोदिया की बेल को। अब शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 2 नेता जेल में है। इस पूरे मसले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सभी पार्टियों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई हैं और आई हैं संजय सिंह के परिवार से भी। पहले संजय सिंह की पत्नी को सुनते हैं जिन्होंने अरेस्ट के कुछ देर बाद ही मीडिया से बात की।
संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है उनके साथ। हम उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फिर आम आदमी पार्टी की ओर से क्या बातें हुई वो आप सुनिए। सारे केस झूठे लगा रहे हैं ये लोग, तो कुछ इतने केस लगा लिए, इतनी जांच कर ली, कुछ निकलता तो है नहीं। तो इस जांच के खेल में टाइम ही खराब होता है, सबका टाइम खराब होता है, जांच एजेंसियों का भी टाइम खराब होता है, सरकार का भी। सबको काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। सबको झूठे केसों में फंसा के उससे तो देश तरक्की नहीं करेगा। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस देश में एक अघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है। तो ऐसे स्थिति में अगर भाजपा को ये लगता है कि इस तरह के अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष की एजेंसियों के द्वारा आवाज वो दबा सकती है, संभव नहीं है। भाजपा केंद्र में अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठा रही है, मिसयूज ऑफ पावर है, मिसयूज ऑफ एजेंसीज हैं। और जैसे जैसे भाजपा को लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अपनी हार के डर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार एजेंसियों के बल पे अपोजिशन के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर रही है और आने वाले दिनों में और भी कई अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। समाजवादी प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, उनको भी सुनिए। संजय सिंह का या किसी भी विपक्षी नेता पर केस लगना, उनको झूठा मुकदमा लगा करके जेल भेजना, ये बीजेपी डर के कर रही है। और हम तो ये कहते हैं ना, 140 करोड़ में भारतीय जनता पार्टी के 100 करोड़ लोग खिलाफ हैं, क्या 100 करोड़ को गिरफ्तार करेगी सरकार? अगर विपक्षी नेता खिलाफ है उन पर आप कार्रवाई कर रहे हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 100 करोड़ जनता खिलाफ है इनके। और फिर ये जो जितनी संस्थाएं आपने बोली हैं, ये बीजेपी के प्रकोष्ठ हैं, बीजेपी जिसकी चाहती है उस पर छापा पड़ती है। अगर आप सच दिखाने लगो आप पे भी छापा पड़ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी राजनीतिक खाद पानी मिला है। भाजपा के दिल्ली के सभी सांसद और विधायक आज राजघाट पहुंचे। अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता को मुक्ति मिले, इसलिए प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा, आप वो सुनिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो आत्मा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के चरित्र का भी नाश किया। दिल्ली की जनता जानती है इस पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल इसके सूत्रधार हैं। इसलिए दिल्ली की जनता को इस भ्रष्ट शासन से मुक्ति मिले, दिल्ली की जनता अपनी लड़ाई जारी रखे। साथ ही इस मुद्दे पर सुनिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी। एक के बाद दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ही क्यों ना हो, या अन्य आरोपी जिनमें अब सांसद संजय सिंह जी भी हैं। और माननीय सांसद संजय सिंह जी का अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, वो स्वयं कह रहे थे अगर जांच एजेंसियों को कार्रवाई करनी तो मेरे खिलाफ करें। तो जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की है, गंभीर आरोप हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इसको लेकर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका उत्तर अवश्य देना चाहिए। और पहला बार नहीं, ये बार बार आम आदमी पार्टी की सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी से लेकर शराब घोटाले में संलिप्त मनीष सिसोदिया जी से लेकर अब सांसद संजय जी सिंह, ऐसे अन्य कई नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर घोटालों के आरोप लगे और कई तो अब एक एक साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। तो ये जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट केजरीवाल जी बांटते हैं, वो स्पष्ट तौर पर दिखता है कि एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचारी इन्होंने अपने पार्टी में रखा है। ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि भारतीय राजनीति में पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर यह कहा गया कि ये बदले की राजनीति है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के काम पर पार्टियों ने ही नहीं, न्यायपालिका ने भी सवाल उठाए हैं। उनकी कार्यशैली और उनके छापे को हमेशा सवालों के घेरे में रखा गया। लेकिन उतनी ही सच ये भी बात है कि देश में घोटाले भी हुए हैं, ऐसे में सच्चाई की तस्दीक जरूरी है, उसका सामने आना जरूरी है। खबरों का सिलसिला यहीं तक, अब सुनते हैं उम्मीद की बात। आज की उम्मीद की बात भी खेल की दुनिया से ही आई है।
चीन में चल रहे एशियन गेम्स में आज यानी 5 अक्टूबर का दिन काफ़ी खास बन गया, क्योंकि आज के दिन भारत ने गोल्ड मेडल्स की हैट्रिक लगा दी। तीरंदाजी में महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी स्वर्ण पदक जीत लिया। महिला टीम में कौन कौन थे? ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति गोपीचंद स्वामी और परनीत कौर। उन्होंने 230 पॉइंट जुटाकर चीनी ताइपे टीम को हरा दिया। इस टीम में जो ज्योति सुरेखा वेन्नम है वो इन गेम्स में पहले ही 2 स्वर्ण पदक अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर को ओजस प्रवीण देवताले के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम का गोल्ड जीता था। अब पुरुष तीरंदाजी टीम की बात कर लेते हैं। प्रवीण देवताले थे इसमें, अभिषेक वर्मा थे और प्रथमेश जावकर की टीम थी। गोल्ड झोली में इन्होंने रख लिया। इसके साथ ही स्क्वैश में भी भारत गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुका है। मिक्स टीम थी दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह की। दीपिका के पति भी काफ़ी फेमस हैं, क्रिकेटर दिनेश कार्तिक। ये हैं खिलाड़ी, ये हैं हमारा गौरव और ये हैं हमारे भविष्य की उम्मीद। इसी नोट पे दी ललन टॉप शो यहीं पे कंक्लूड होता है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।